हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज से होने वाली प्रॉब्लम्स और कैसे स्टूडेंट्स को हम टैकल करें जो लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को अगर बच्चों में है तो उसको पहचानेंगे कैसे, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे टीचर्स के लिए और ऐसे सारे पेरेंट्स के लिए जो जिनके बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऐसे स्टूडेंट्स को मैनेज करने में जो प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है लर्निंग डिसेबिलिटी से होने वाली समस्या, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। पिछले टॉपिक में जैसे हम डिस्कस कर चुके थे पिछली वीडियोज़ में, आज हम जानेंगे कि उनसे क्या क्या समस्या होती है। तो पहली समस्या होती है बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। जब भी बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड जो भी चाइल्ड होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता अपने टॉपिक पे। दूसरी चीज़ है संवेगात्मक अस्थिरता, यानी इमोशनल डिसबैलेंस होता है। बच्चा कभी एकदम से आक्रामक हो जाएगा, कभी शांत हो जाएगा, कभी हंसने लगेगा, कभी एकदम चैरिश हो जाएगा। तो ये हुआ इमोशनल डिसबैलेंस। तीसरा है सामाजिक समस्याएँ, जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बनाने की कठिनाई। तो गाइस, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जब भी बच्चा किसी भी लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहा होगा तो उसको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी दूसरे बच्चों के साथ में तालमेल बिठाने में, क्योंकि वो बच्चा खुद को बहुत कम आंकता है। उसको लगता है कि मैं सबकी तरह नहीं हूँ, मैं वीक हूँ। तो जब भी कोई बच्चा अपने आप को वीक समझता है या फिर अपने आप को कम समझने लगता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसे सबके साथ में बैलेंस करने में, है ना। तो ये तो है बेसिक प्रॉब्लम्स। अब जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों को कैसे पहचाने, यानी क्या क्या लक्षण होते हैं। पहले तो सबसे बड़ी जो बेसिक चीज़ है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेके, तो बच्चा क्या होता है कि जो एवरेज होता है, एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं जो, उनसे हमेशा कम रहता है। यानी कि बच्चे का जो आईक्यू होता है वो एवरेज चाइल्ड से थोड़ा कम होता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वो किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से देख नहीं पाते। जब उनके पास कोई चीज़ दे दी जाती है तो उसमें वो फाइनली अटेम्प्ट नहीं कर पाते, चाहे वो गेम हो, चाहे लर्निंग हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे बच्चों को लर्निंग जहाँ पर भी हो रही है, चाहे वो खेल हो चाहे पढ़ाई हो, तो वहाँ वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते अपनी कंडीशंस को। नेक्स्ट है अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेके। तो वो क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी का वास्तविक स्वरूप क्या है। यानी हम लोगों के दिमाग में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कई सारे टाइप्स की है, जैसे ADD है कॉन्सेंट्रेशन का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कंटिन्यूसली जितने भी आर्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल में तो कंटिन्यूसली वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करे। तो अगर बच्चा थोड़े थोड़े टाइम में उसकी कॉन्सेंट्रेशन डेविएट हो रही है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बच्चा ADD से ग्रसित है? बिल्कुल नहीं गाइज। यही वो टॉपिक है जहाँ पे हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल चाइल्ड। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, तो उसका वास्तविक रूप क्या है, इसके तीव्रता के आधार पर इन्हें कैसे बांटे, और इससे बच्चे प्रभावित बच्चों को शिक्षकों, अभिभावकों व सहपाठियों को इस तरीके से जागरूक करें कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आए। तो बच्चे जब भी बच्चा को लर्निंग डिसेबल्ड है तो इतनी बात टीचर्स को, पेरेंट्स को और उसके रिलेटिव्स को समझनी चाहिए कि बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं है उसमें। अगर बच्चा किसी भी लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो उसमें बच्चे का जो रोल है वो बस इतना कि वो उस प्रॉब्लम से खुद भी टैकल कर, वो खुद उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई चीज़ लगा दी गई है और उसको खुशी खुशी कर रहा है, बिल्कुल नहीं। बच्चा चाहे वो डिसलेक्सिया से हो, ADD से हो, LD से हो, कॉन्वर्जेंस इशू, कोई भी पुअर मेमोरी, कुछ भी अगर प्रॉब्लम बच्चे के साथ होती है तो वो खुद उससे ओवरकम करने की कोशिश करता है। अगर नहीं कर पाता तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो इतना किसी भी टीचर को क्लियर होना चाहिए और बच्चे के साथ बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए टीचर को। और अगर पेरेंट है तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक टीचर की ज़्यादा है और पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा है। तो जो पहला रोल प्ले करते हैं बच्चे के साथ में कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो हमेशा पेरेंट की होनी चाहिए। अब आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, हालांकि हम पिछली बार वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं।
पहला है सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार। अगर बच्चे को अगर आप W दे देते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चा अपने माइंड में जो इमेज बनाता है वो बनाता है M। तो जैसे अगर आप बच्चे को वीक लिखा होगा ब्लैक बोर्ड पे, तो बच्चा उसको पढ़ेगा मीक। तो ये तो हुआ डिसलेक्सिया, मतलब बच्चा ठीक तरीके से जो वर्ड्स है उसको ले नहीं पाता, ठीक तरीके से समझ नहीं पाता और पढ़ नहीं पाता। दूसरा है डिसग्राफिया, लिखने संबंधी समस्या। डिसग्राफिया जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ग्राफिया यानी कि ग्राफ, यानी कि जो बच्चा कोई भी वर्ड को ठीक तरीके से जब देख नहीं पा रहा है तो वो लिख भी नहीं पाएगा। बच्चे को अगर आप स्पेसिफिक लिखने को बोलोगे तो वो स्पेसिफिक बोले लिखेगा, है ना। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो डिसग्राफिया है। गाइज यहाँ पे हम बहुत छोटा छोटा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक, मतलब बच्चा नंबर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। द चाइल्ड कुड नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नंबर्स। उसको नहीं पता कि 2 क्या होता है, उसको नहीं पता कि 4 क्या होता है, उसको नहीं पता कि 2 और 2 कितना होता है, उसको ये भी नहीं पता कि 2 × 2 × 2 कितना होता है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे के साथ कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं वाइल रिमेंबरिंग अ नंबर, वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्ट और एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशन, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि बच्चा डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। अब बात करते हैं डिसलेक्सिया की डिटेल में। डिसलेक्सिया क्या कहता है? मैकनिस और होमिंग के अनुसार ऐसे बच्चों में कुछ खास विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ऐसे बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला, ऐसे बच्चे अपने शिक्षक के ऊपर निर्भर होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब बच्चा पढ़ नहीं पाता तो वो डिपेंडेंट होगा अपने टीचर के ऊपर, कि टीचर जो प्रोनाउंस कर रहा है उसके सुनने के बेसिस पे बच्चा अपने आप को मैनेज कर सके अपनी लर्निंग। दूसरा है, प्रत्येक पाठ्य विषय को आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते, मतलब जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो बच्चा ठीक तरीके से जो अपने चैप्टर से उनको कॉम्प्रिहेंड वेल नहीं कर पाएगा। तो बच्चा क्या करेगा कि टीचर्स जो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो तो सुन पाएगा, लेकिन जब भी पढ़ने की बात बारी आएगी तो बच्चा हमेशा रुक रुक के पढ़ेगा या नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे बच्चों में याद करने की क्षमता कमज़ोर होती है, यानी कि जब भी बच्चा पढ़ नहीं पाता, किसी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर पाएगा, तो बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो फिर याद कैसे रहेगा? पढ़ने पढ़ने पे ही तो याद होता है ना, अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो याद नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चों में ध्वनियों को सीखने, शब्दों को सीखने एवं उनका उचित उपयोग करने में भी कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे ठीक तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ठीक है, शब्दों को सीख नहीं पाते, उनका उचित उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। जब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा गाइस, तो लिखेगा कैसे? क्योंकि बच्चा पढ़ना उसके लिए बेसिक है। पढ़ने के बाद ही बच्चा जब वर्ड्स को समझने लगता है तो उसको अपने वर्ड्स में लिखता है, ठीक है। ऐसे बच्चों में उन अक्षरों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है जो जिनमें केवल लकीर होती हैं, जैसे डी है, अगर बच्चे के सामने डी आता है तो उसको बी पढ़ता है, बी आता है तो डी पढ़ता है, डब्ल्यू आता है तो एम पढ़ता है। तो इस टाइप की जो वर्ड्स होते हैं जो लकीरों से बनते हैं, तो बच्चों को ऐसे वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसे बच्चों के पढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी होती है, यानी बच्चे जो होते हैं स्लो लर्नर्स हो जाते हैं। अगर उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो चाइल्ड विल बी स्लोअर देन एवरेज चाइल्ड्स। ऐसे बच्चे लिखना और पढ़ना नहीं चाहते, यानी ऐसे बच्चों को लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट है, अपनी अक्षमताओं के कारण ऐसे बच्चों में आत्मग्लानि के लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी ऐसे बच्चे जिनके अंदर जब लक्षण डिसलेक्सिया के आ जाते हैं तो चाइल्ड अपने आप को एवरेज चाइल्ड से कम समझने लगता है। तो उसके अंदर ये गिल्टी फीलिंग आ जाती है कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ, या मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत ही बुरा स्टूडेंट हूँ और मैं दूसरे बच्चों के साथ एवरेज मैनेज नहीं कर पा रहा। तो जब बच्चों के अंदर इस टाइप की फीलिंग आ जाएगी कि मैं उन लोगों से बहुत कम हूँ, तो बच्चा दूसरे बच्चों एवरेज चाइल्ड के साथ, नॉर्मल चाइल्ड के साथ वहाँ पे कोऑपरेशन की फीलिंग नहीं रख पाता और बच्चा हमेशा सबसे कटा कटा रहता है। नेक्स्ट है, पढ़ते समय उच्चारण दोष प्रदर्शित होता है, जैसे जू की जगह जू का उच्चारण करना। कई जैसा कि हम जानते हैं डिसलेक्सिया जो है प्रोनाउंसिएशन यानी कि पढ़ने संबंधी विकार है, तो बच्चा क्या करता है, जू को जू पढ़ता है ना। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उच्चारण की, ये बहुत बेसिक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी बच्चा, अगर कुछ बच्चे हैं वो स को फ पढ़ते हैं तो वहाँ पे लर्निंग डिसऑर्डर्स है, बिल्कुल नहीं।
अगर बच्चा इन सब के साथ प्रोनंसिएशन के साथ अगर मेंटली स्लो है, स्लो लर्नर की तरह बिहेव कर रहा है और वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, देन द चाइल्ड इज़ अ डिसेबल चाइल्ड। लेकिन अगर ऐसा नहीं, प्रोनंसिएशन बस बच्चे ने जू बोल दिया, तो यहाँ पे डिसऑर्डर है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, शब्दों को उसके स्थान से उलट के पढ़ते हैं तथा पढ़ते समय अपने हाथ को सही लाइन पर न रख कर ऊपर नीचे पढ़ते हैं। गाइज, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको तारे ज़मीन पर जो फिल्म है आमिर खान जी की, उससे आपको रिलेट करना पड़ेगा। आपने देखा कि जो चाइल्ड था अवस्थी, वो हमेशा जो अपने वर्डिंग्स थे, वो एक जो लाइन थी, जो राइटिंग लाइन थी, उसके हमेशा कभी ऊपर लिखता, कभी नीचे लिखता, कभी बीच में लिखता। मतलब वो प्रॉपरली उस लाइन के ऊपर, द चाइल्ड विल नॉट एबल टू राइट अ सेंटेंस और अ वर्ड ओवर दैट लाइन। तो चाइल्ड जब ठीक तरीके से उस लाइन के ऊपर नहीं लिख पा रहा था, मतलब उसको दिक्कत हो रही थी वर्ड्स को एक लीनियर वे में लिखने में। तो ये जो है, ये तो थी हमारी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम। अब आते हैं डिसग्राफिया पे। डिसग्राफिया यानी लिखावट संबंधित प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों की लिखावट काफ़ी गंदी होती है, यानी बच्चे ठीक तरीके से लिख नहीं पाते, स्पेसिंग्स नहीं दे पाते हैं वर्ड्स के बीच में, ठीक है, बच्चे ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक। उसके बाद फिर व्याकरण संबंधी दोष भी पाए जाते हैं और लिखने में वाक्य रचना संबंधी दोष, यानी बच्चा जो लिखता है उसमें भी उसके दोष पाए जाते हैं। व्याकरण संबंधी दोष यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो पाता चाइल्ड, और उसको लिखने की प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है, ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों के आपसी आकार, शब्दों या अक्षरों के बीच खाली स्थान इत्यादि से संबंधित दोष भी देखने को मिलते हैं। यानी ऐसे बच्चों में अक्षर या शब्दों के आपसी आकार, यानी कि बच्चे जो स्पेस, मैंने जैसे आप पहले मेंशन कर दिया था कि जो स्पेस होती है वर्डिंग्स के बीच में, वो नहीं दे पाते और एक लीनियर वे में नहीं लिख पाते हैं बच्चे, और वर्ड्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते। तो डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया के बीच में आप सब लोगों को, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, पर डिसग्राफिया जो होता है वो लिखने संबंधी विकार है, इतना समझिएगा, और डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी विकार है। और गाइस, दोनों एक दूसरे से रिलेट इसलिए करता है क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ोगे वही चीज़ तो लिखोगे ना। जब माइंड में जो चीज़ आप पढ़ोगे, माइंड में उस चीज़ को प्रोसेस करोगे, वही चीज़ तो लिखोगे ना, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आते हैं डिसकैलकुलिया पे। डिसकैलकुलिया जोड़ने घटाने संबंधी समस्या। तो ये क्या होती है, इस प्रकार के बच्चों में जोड़ने घटाने संबंधी दिक्कतें आती हैं, यानी बच्चे जो वर्ड्स हैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, बच्चे जोड़ नहीं पाएगा बच्चा कि दो और दो कितना होता है, और बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि चार और दो कितना होता है, दो और दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। गिनने की समस्या में प्रॉब्लम्स, जैसे आप सबको पता होगा कि बच्चा जब 6 क्लास से नीचे रहते हैं, जो बच्चे 1 to 5th, वो सब उंगलियों पे आपने कैलकुलेट करते देखा होगा उनको। तो जब बच्चा जब उंगलियों पे काउंट करता है वर्डिंग्स को, इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, माइंड में कैलकुलेट कर रहा है। पर जो जो भी बच्चे डिसकैलकुलिया से ग्रसित होते हैं, उनको आपने कभी भी उंगलियों पे काउंट करते नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको हमेशा दिक्कत होती है नंबर्स को काउंट करने में। नेक्स्ट है, बड़ा छोटा कम ज़्यादा करने की समस्या। जब भी बच्चा कोई भी बच्चा डिसकैलकुलिया से ग्रसित होगा, तो उसका जब उसको वर्ड्स दिए जाएंगे कि आप इनमें से स्मॉलर देन और ग्रेटर देन निकालो, तो बच्चा हमेशा कन्फ्यूज़ रहेगा कि विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। कम या ज़्यादा करने की समस्या, कम या ज़्यादा, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सक्सेसर और प्रोसीजर के बारे में, तो सक्सेसर और प्रोसीडर क्या होता है, किसी वर्ड में अगर हम एक जोड़ दें तो वो प्रोसीडर हो जाता है, सक्सेसर हो जाता है, और एक घटा दे तो प्रोसीडर हो जाता है। तो बच्चे ये छोटे छोटे ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने में डिसेबल होगा। नेक्स्ट है, समस्याओं को सही क्रम के बदले उल्टे क्रम में गिनते हैं, जैसे 45 को 54, 503 को 305। यानी कि बच्चा ठीक तरीके से वर्ड्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाता, अपने दिमाग में उनको ठीक तरीके से बैठा नहीं पाता, और जो वर्ड्स होते हैं उसको हमेशा उल्टा देखता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया, 45 को 54 और 503 को 305। अब बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्यों होती हैं, क्यों कोई भी बच्चा डिसेबल होता है और क्या क्या उसके रीजंस हैं।
तो गाइज कई सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, कई सारी हम जानते हैं और कई सारी ऐसी हैं जो अभी इमर्ज हुई हैं, और कई सारी ऐसी हैं जिनका नाम हमने नहीं सुना, और कई सारी ऐसे हैं जिसका एग्जाम्पल अपनी सोसाइटी में देखते हैं। तो क्या है कि बच्चे डिसेबिलिटी बच्चों के अंदर क्यों पाई जाती है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चों के जन्म के समय या जन्म से पूर्व भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं तभी, बिल्कुल नहीं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो गाइस जो जो मेन प्रॉब्लम होती है या जो बेसिक प्रॉब्लम होती है डिसेबिलिटी की, वो उससे रिलेटेड है फीटल डेवलपमेंट में। जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ के कुछ हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, मेंटल टॉर्चरिंग या इरिटेबिलिटी, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो माँ को परेशान करती हैं जब बच्चा पेट में होता है। तो ऐसी कंडीशन से हमेशा प्रेग्नेंट वुमेंस को दूर रखना चाहिए जहाँ से उसके बच्चे या उसके ऊपर कोई मानसिक दबाव आए, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन जिससे एक प्रेग्नेंट वुमेन को तकलीफ़ हो, तो ऐसे कंडीशन से हमेशा उन्हें दूर रखने चाहिए ताकि बच्चे के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं डिसेबिलिटीज़ के अनुवांशिक कारण यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर। पहले क्या है, जिनके माता पिता भी अधिगम अक्षमता से पीड़ित होते हैं प्रायः उनके बच्चों में भी यह गुण देखने को मिलता है। यानी कि ऐसे माता पिता जिनके बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो बच्चा भी उसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता है। तो गाइस ये डेफिनेट नहीं है कि होना ही होना है, 50-50% चांसेस हमेशा बनते हैं। दूसरा है तंत्रिका कारक यानी कि न्यूरल प्रॉब्लम। जब भी बच्चा किसी भी बच्चे में पढ़ते समय अगर असमर्थता पाई जाती है तो न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। मोटर और सेंसरी मोटर दो न्यूरॉन्स होते हैं। तो बच्चा जब सेंसरी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, और मोटर क्या करता है, लेके आता है ब्रेन से। तो जब भी बच्चा प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कि मैसेज सेंडिंग जो न्यूरॉन्स ब्रेन तक मैसेज लेके जा रहे हैं बच्चे की लर्निंग के से रिलेटेड, वो वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँच रहा, तभी तो बच्चा डिसेबल है ना। तो यही हमारा तंत्रिक कारण। अब है जन्म से पूर्व के कारक। तो इसमें जन्म से पूर्व के क्या है, मदर्स वॉर्म से रिलेटेड। कैसे, गर्भावस्था के दौरान कभी कभी कुछ कारक भ्रूण को भी प्रभावित करते हैं और बच्चों में तंत्रकीय कमी उत्पन्न हो सकती है, जैसे माँ द्वारा अत्यधिक दवाओं का सेवन करना यानी माँ अगर बहुत ज़्यादा दवा खाती है। दूसरा, माँ के मदिरा पान करने से यानी अगर माँ ड्रिंक कर रही है तो उससे बच्चे की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। माँ के कुपोषण से ग्रसित होने पर और गर्भवती महिला को गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की दशा में जो उसका डेवलपमेंट है चाइल्ड का, वो फीटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता और बच्चा डिसेबल पैदा होता है। नेक्स्ट है जन्म के समय के कारण। जन्म के समय में अगर कई सारे ऐसे कारण होते हैं जब बच्चा डिसेबल हो सकता है। पहला, जन्म के समय बच्चों को अपर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण, यानी कि बच्चे को जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बच्चे बच्चा क्या करेगा, ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, पहला कारक। दूसरा, जन्म के समय किसी भी घटना से मस्तिष्क में लगने वाली चोट। मान लीजिए बच्चा बच्चा अगर दुनिया में आ भी गया तो जन्म लेने के बाद भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कई बार, कि उनके दिमाग में चोट लग जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा जब एक पैदा होता है तो उसका दिमाग जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, जो उसकी क्रैनियल बोन्स होती है वो ठीक तरीके से डिवेलप नहीं होती, तो सर उनका बहुत सॉफ्ट होता है। तो दैट टाइम अगर उनके दिमाग में कोई चोट लग जाती है तो वही चोट उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होती है और वही रीज़न होता है लर्निंग डिसऑर्डर का। नेक्स्ट है औजार से प्रसव करने की वजह से मस्तिष्क की कोशिकाओं में चोट लगने के कारण। कैसे, सिजारियन बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरीज आजकल बहुत ही रेयर हो रही हैं। तो जब भी सिजेरियन होता है तो उनकी औजारों की वजह से बच्चे के दिमाग में कभी कभी चोट लग जाती है और ठीक तरीके से डिलीवरी नहीं हो पाती, तो भी बच्चा डिसेबल पैदा होता है। नेक्स्ट है जन्म के पश्चात के कारण। जन्म के पश्चात के कारणों में जैव रासायनिक कारक, वातावरणीय कारक जैसे दुर्घटना द्वारा मस्तिष्क में चोट लगने से या फिर लेड या पेंट जैसे तत्वों के शरीर में जाने से या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे के मस्तिष्क का विकास देर से या धीमी गति से होने से होता है, और इसके कारण सुनने बोलने तथा पढ़ने लिखने के कौशलों का विकास प्रायः धीमा हो जाता है।
जन्म के पश्चात, यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद क्या होता है, अगर मस्तिष्क में दुर्घटना की वजह से चोट लगे, यानी एक्सीडेंटल इंजरी। दूसरा, लेड या पेंट जैसे तत्वों के शरीर में जाने से, यानी लेड या फिर पेंट अगर शरीर में जा रहा है तो वो। और फिर तीसरा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में बच्चे के मस्तिष्क का विकास देर से या धीमी गति से होता है, तो इसके कारण सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने में प्रायः दिक्कत होती है। अब है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का इलाज। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती है बच्चों में आइडेंटिफाई नहीं की जाती, लेकिन कई केसेस में आइडेंटिफाई कर ली जाती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, उस प्रॉब्लम को क्योर करते हैं। तो पहला जो है बचा वो क्या है, सबसे पहले माँ बाप और अध्यापकों को लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। यानी कि अगर थोड़े से भी पेरेंट को या टीचर्स को लगता है कि बच्चा डिसेबल है, तो पहले उन्हें बच्चे से रिलेटेड सारे सिम्टम्स को देखना चाहिए और उनकी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। वहाँ पे टीचर्स को और पेरेंट्स को इरिटेट बिल्कुल नहीं होना, उन्हें बच्चे को कोऑपरेट करना है, क्योंकि वो बच्चा खुद परेशान है उस बीमारी से। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों को प्यार से कक्षा में प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य चुनना चाहिए। हो सकता है कि आपको बच्चे को बार बार ये सिखाना पड़े, लेकिन बिना निराश हुए और संयम के साथ बच्चे को टास्क प्रायोरिटी सिखाना सीखिए। मतलब जो हमने पहले स्टेटमेंट कही वही, कि बच्चा उस प्रॉब्लम से खुद ग्रसित है, तो बच्चा जब उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो टीचर को चाहिए कि बच्चे को सीखने में मदद करे। वो बिल्कुल इरिटेट ना हो कि मैं इसे 10 बार सिखा रहा हूँ यार ये नहीं सीख रहा। नहीं, टीचर को भी चाहिए कि वो पेशेंस के साथ बच्चे को हैंडल करे, और बच्चे को जितने प्यार से टीचर समझा सकता है, पेरेंट्स समझा सकते हैं, उस तरीके से बच्चा शायद खुद ना सीख पाए। नेक्स्ट है, बच्चों को निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चे निर्देशों का पालन ना करें तो उन्हें डांटे नहीं, ये बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए समझना बहुत कठिन है कि बच्चे निर्देशों का पालन क्यों नहीं करते। पर इन बच्चों के लिए लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अगर निर्देश का पालन ना कर पाए, यानी आप कह रहे हो बच्चों को कि बच्चों ए लिखिए, तो अगर बच्चा ठीक तरीके से नहीं लिख पा रहा है तो आपको लगता है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, वो हमारी बात नहीं मान रहा। पर गाइस, जो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं वो जानबूझकर ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनका ब्रेन उस टाइम उस मैसेज को ले ही नहीं पाता। जब ब्रेन मैसेज को प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो बच्चा कैसे प्रोसेस कर सकता है, बच्चा खुद परेशान होता है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, इन बच्चों को प्रशिक्षण देते समय अपने प्रशिक्षण विधि में इस तरीके से परिवर्तन कीजिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चा आसानी से समझ सके। यानी बच्चा जो होता है वो लर्निंग डिसेबल्ड होता है, तो उसको उसके साथ ऐसी टीचिंग एड का यूज़ करें जो उसके बिहेवियर में चेंज लाए। ठीक है, जब भी हम ये बात करते हैं कि बच्चा लर्निंग डिसेबल है, तो टीचर को हमेशा एक एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए बच्चे की तरफ, कि बच्चा हमेशा वही सुने और उस चीज़ को एकदम इजीली ग्रेस्प कर ले जो उसका टीचर कहना चाह रहा है। ये कब होता है गाइस, जब हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग एड यूज़ करते हैं। जब हमें पता है कि बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करते हैं, डिजिटल ब्लैक बोर्ड वहाँ पर लेकर आते हैं, जूम करके बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है, तो हम मॉडल यूज़ कर सकते हैं, चार्ट यूज़ कर सकते हैं, देर आर वेरियस काइंड ऑफ टीचिंग एड्स यार, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कई सारे टीचिंग एड। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी से बचाव, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से बचाव कैसे होगा, पहला, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक दवाओं का सेवन ना करें। माँ को चाहिए कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो वो उसको हैंडल कर ले जाए, माँ बिल्कुल दवाओं का सेवन ना करे। दूसरा है, धूम्रपान ना करें और नशीली दवाओं का सेवन ना करें। बच्चे को चाहिए कि धूम्रपान माँ को चाहिए बच्चे की कि धूम्रपान ना करें और नशीली दवाओं का सेवन ना करें, शराब ना पिए। इससे क्या होगा, गर्भ में बच्चे के दिमागी प्रभाव विकास को प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, माँ की गर्भावस्था में खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यानी जब भी बच्चा पेट में होता है माँ के, तो जो फीटल डेवलपमेंट होती है उसमें माँ की न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे पेरेंट को चाहिए कि वो किसी भी ऐसे इंसान को जो एक प्रेग्नेंट वूमेन के साथ अटैच्ड है, तो उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे, उसे मेंटली और फिजिकली हैप्पी रखे।
नेक्स्ट है, गर्भावस्था में माँ को कोई भी ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो, यानी जैसे तेज़ दौड़ना, काफ़ी मेहनत करना, जहाँ पे सांस सांस काफ़ी तेज़ चले और जहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो, तो ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ में मदर्स को इंडल्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी बच्चे के अंदर हो सकती है और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर पक्का है। नेक्स्ट है, जन्म के समय सुनिश्चित करना कि बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं, यानी माँ को धीरे धीरे कोई भी काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, पेशेंस रखना चाहिए और माँ को चाहिए कि वो इंटरनली एकदम हैप्पी रहे। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान बच्चे को किसी भी चोट से बचाना चाहिए, विशेषकर मस्तिष्क पे चोट लगने वाली चोट, यानी जब भी ऑपरेशन हो, सिजेरियन या बच्चा जिस भी मेथड से आ रहा है उसको उसको ब्रेन की इंजरी से हमेशा बचाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, लेड या पेंट जैसे तत्वों को बच्चे के शरीर में ना जाने दिया जाए। तो जब लेड या पेंट वाली कोई भी चीज़ होती है उसको माँ से हमेशा दूर रखना है या फिर बच्चे से दूर रखना है। तो गाइस ये हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप पिछले टर्म पे जो कुछ कन्फ्यूजन्स आपके पास रह गए थे तो वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब आता है हमारा मोटिवेशनल कोट्स का सेक्शन। तो गाइस आज की हमारी मोटिवेशनल कोट है, हम कई कई बार डिसीजंस अपने लेने में इतने अक्षम हो जाते हैं, इतने डिसेबल हो जाते हैं कि हम सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना है। पर गाइस ज़रा सोचिए कि जब भी मोटिवेशन की बात आती है, जब भी आप फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, या फिर जब भी आपको भूख लगती है, तब आपको क्या मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप इंटरनली मोटिवेट होते हो। जब भी आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हो या फिर कोई भी अपनी इमेज डालते हो तो आपको बार बार उसको ओपन करना पड़ता है, यार इसने क्या कमेंट दिया, कितने लाइक्स दिए, ठीक है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन हुई। तो जब भी आप अपना लक्ष्य बनाना चाहते हो गाइज, जो आपका एम है उसको लेकर के चलिए और कुछ और ऐसे सारे काम कीजिए जो आपको उससे रिलेटेड, आपके जॉब से, आपके एम से, आपके लक्ष्य से रिलेटेड हो। ऐसे किसी भी चीज़ में अपने आप को इंडल्ज मत कीजिए जो आप अपने भविष्य में अपने आप को खुद देखना चाहते हो, ठीक है। जैसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।